नमस्कार, मैं हूं फैजल और आज आप देख रहे हैं मोटिवेट बॉक्स का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे मैं आप सबको बताने वाला हूं कि रॉक फ्रेम को कैसे प्रिंट किया जाता है। तो चलिए मैं आप सबको ले चलता हूं रॉक फ्रेम के प्रिंटिंग प्रोसेस की ओर। आज मैं यहां पे दिखाने वाला हूं कि अगर रॉक फ्रेम हमें प्रिंट किया कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिजाइन निकालते हैं, जहाँ पे हम डिजाइन मैंने एक डिजाइन तैयार करके रखा है। A4 साइज का प्रिंटर है जहाँ पे मैं अपने डिजाइन को प्रिंट निकालूंगा। प्रिंट निकालने के बाद इसका तीसरा प्रोसेस ये होता है कि जब हमारे पास ये प्रिंट निकल जाएगा तो हमारे पास ये रॉक फ्रेम होता है। रॉक फ्रेम को यहाँ पे हम सब चिपकाएंगे और इसे हीट ट्रांसफर मशीन के थ्रू इसे हम सब प्रिंट करके आप इसको इसमें दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया है जो कि एसरेस का पेपर है। मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया A4 साइज का। यहाँ से कमांड देने वाला हूँ A4 साइज का। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल पी करा, ये प्रिंट साइज है। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे हमारा प्रिंट क्वालिटी वगैरह या फिर पेपर साइज वगैरह जो भी है सही है या नहीं है। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले प्रिंट सेटिंग में। इसके बाद प्रिंट सेटिंग में जाने के बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन रहता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे पेपर टाइप में हमारा कौन सा पेपर है, कौन सा लगेगा। लाइक यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्सन मेट का यूज करना पड़ेगा, हमने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे क्वालिटी आता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड और हाई, हमेशा स्टैंडर्ड हम रखते हैं। और यहाँ पे कलर में कलर तो रहता ही है। इसके बाद सेकंड प्रोसेस में ये है कि हम मोर ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे तीन ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग में। हाई स्पीड नहीं रखेंगे और मिरर साइज में हमेशा हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम दे रहे हैं अपना कमांड जो कि प्रिंट निकालने का काम करेगी। ये है, मैं प्रिंट कर रहा हूं। ये मेरा प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम अब देखेंगे कि टेम्परेचर हमारा कितना है कितना नहीं है। तो हम सबसे पहले टेम्परेचर के ऊपर में क्लिक करेंगे, हमारा ये जो बटन है। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे मतलब अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है। तो अगर हमें अगर इससे ज्यादा अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो अप का बटन दबाएंगे, इससे अगर कम का हो तो डाउन का बटन दबाएंगे। तो अभी 220 पे हमने सेलेक्ट कर रखा टेम्परेचर। इसके बाद हम टाइम पे देखेंगे, तो टाइम पे हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा टाइम कितना दिया हुआ है इस पर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 है। तो इसमें अगर हमें बढ़ाना हो तो इसमें अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है दोनों का। इसके बाद हम टाइम पे क्लिक कर देंगे। चलिए जब तक ये मशीन हीट हो रही है तब तक मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस की ओर ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है। अब यहाँ पे पेपर है उसे मैं कटिंग कर, ये जैसा कि हमने मैंने चारों तरफ से इसे सीजर से कटिंग कर लिया है। अब मैं इसे आपको इस पर लगा के दिखा रहा हूँ कैसे इस पर लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये टेप है सब्लिमेशन टेप जो कि हीट रेजिस्टेंट है और मैं इसे यहाँ पे अब लगाने वाला हूँ। ये देख रहे हैं, ये है हमारा प्रिंट आउट। अब मैं इसे यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ये हमारा प्रिंट के लिए तैयार हो चुका है, हमने टेप भी लगा लिया है। अब इंतजार है कि ये 220 टेम्परेचर पे जाता है, इसके बाद हम इसे प्रिंट करके आपको लाइव दिखाएं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे 214 आपका टेम्परेचर आ चुका है, बस 20 का इंतजार है, इसके बाद हम सब आपको प्रिंट करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए इसे मैं सेट कर लेता हूँ इसे इसकी जगह पे। तो मैं यहाँ पे इसे रख रहा हूँ और मैं इसे प्रेस करने वाला हूँ अभी। ये जैसा कि टेम्परेचर जा चुका है 220 पे। अब ये जैसा कि मैं इसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टाइमिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये टाइमिंग शुरू हो चुकी है। अब ये 70 सेकंड के बाद मुझे प्रिंट करके मेरा रॉक फ्रेम मुझे मिल जाएगा। फाइनली हमारी मशीन बीप कर चुकी है। अब मैं इसे निकालने वाला हूँ, देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा आया है। तो चलिए सबसे पहले अब इसे मैं ओपन कर रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा आया है। आप इसे हमेशा ग्लव्स पहन के यूज़ करें, अगर खाली हाथ करेंगे तो आपका हो सके तो हाथ जल जाएगा। तो अब मैं इसे खोल के दिखाने वाला हूँ कि प्रिंट कैसा आया है।
जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा आगे लेके आएंगे तो बेहतर मालूम पड़ेगा कि प्रिंट हमारा कैसा आया कैसा नहीं आया। ये देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस रॉक फ्रेम का कितना खूबसूरत सा प्रिंट आया है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि एक रॉक फ्रेम को कैसे प्रिंट किया जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।